मुरादाबाद में ईद उल अजहा के त्यौहार के मद्देनजर पुलिस प्रशासन द्वारा सभी व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया जा रहा है। तो वहीं नागरिक सुरक्षा कोर ने भी प्रशासन का सहयोग करने के लिए पूरे शहर में अपने स्वयंसेवकों की ड्यूटी लगाई है। नागरिक सुरक्षा कोर के चीफ वार्डन हाजी नजमुल इस्लाम एडवोकेट का ये कहना है कि सभी थाना क्षेत्रों में ईद उल अजहा की नमाज क्षेत्रीय मस्जिदों में अदा की जाएगी, जिसको लेकर शांति व्यवस्था कायम रहे और सभी लोग मिलजुल कर इस पर्व को मनाएं, जिसके लिए सभी स्वयंसेवकों की ड्यूटी लगा दी गई है। साथ ही 3 दिन तक चलने वाली कुर्बानी के इस त्यौहार पर किसी प्रकार की कोई समस्या न हो और क्षेत्र में सफाई व्यवस्था दुरुस्त रहे, इन सभी बातों को ध्यान में रखकर नागरिक सुरक्षा कोर के स्वयंसेवक सहयोग करेंगे। सिटी चैनल से बात करते हुए चीफ वार्डन हाजी नजमुल इस्लाम एडवोकेट ने जनता से सहयोग की अपील की है और कहा है कि अपने शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए प्रशासन का सहयोग करें। देखिए, सबसे पहले मैं ईद उल अजहा के मौके पर देशवासियों को और जनपद वासियों को, पुलिस और प्रशासन के सभी अधिकारियों को ईद की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, मुबारकबाद पेश करता हूं। देखिए, जहां तक सिविल डिफेंस का सवाल है, सिविल डिफेंस हमेशा पुलिस और प्रशासन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर कार्य करता है, चाहे कोई भी त्यौहार हो। इसी तरह से इस बार भी बकरीद के मौके पर हमारे नागरिक सुरक्षा कोर के सभी वार्डन्स की ड्यूटी लगाई गई है और वो सब अपने अपने क्षेत्र में तैनात रहकर ड्यूटी को अंजाम दें। मैं सभी देशवासियों से अपील करता हूँ और अपने जनपद वासियों से अपील करता हूँ कि जो भी ओज बाहर निकले उसको तुरंत कट्टे के अंदर या किसी भी उसके अंदर सड़क पर ना फेंके और उसको उस जगह पर जैसी गाड़ी आए उसको वहाँ पर रख, उसमें गाड़ी के अंदर रख दें ताकि गंदगी ना फैले। और इसमें हमारे वार्डन्स पूरा सहयोग देंगे। मैं इसके लिए पुलिस और प्रशासन के साथ भी कंधे से कंधा मिलाकर काम करने की जो मैंने अपील की है, हमारे वार्डन्स कंधे से कंधा मिलाकर ही काम करेंगे और कहीं भी गंदगी को नहीं होने देंगे।